दिन भर के प्रायोजक हैं शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं परदेसी फैमिली बाजार, कार्तिकेय एंटरप्राइजेस। साई प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मूसलाधार बारिश के बीच भी लगा मुख्यमंत्री का जनता दरबार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियादें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कार्यक्रम की शिरकत, बांटा प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुढ़िया माई मंदिर का किया निरीक्षण, प्राकृतिक नाले की सफाई का दिया आदेश, पिच रोड का भी किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर और बस्ती मंडल के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ की बैठक, 1 जुलाई से शुरू होने वाले दस्तक अभियान के बारे में ली जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया इंसेफ्लाइटिस वार्ड का निरीक्षण, कहा रोकथाम के लिए पूरी तरह से तैयार है सरकार। लोगों से फर्जी क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर धन उगाही करने वाले 3 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, वर्दी भी हुई बरामद, एसपी क्राइम ने किया मामले का खुलासा। पुलिस ने बरामद की लूटी हुई 16 टन सुपारी, 48 लाख बताई जा रही है कीमत, 2 अभियुक्त भी चढ़े पुलिस के हत्थे। मौसम ने बदला मिजाज, झमाझम बारिश से सराबोर हुआ शहर, लोगों ने ली राहत की सांस। और भाजपा की ओर से सम्मानित हुई महिला मोर्चा की सदस्य, उत्कृष्ट कार्यों के लिए की गई सराहना। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान दूर दूर से आए हुए फरियादियों से मुलाकात की। इस मूसलाधार बारिश में जनता ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीएम योगी के दरबार में अपनी फरियाद लेकर आए हुए थे। मुख्यमंत्री ने इन सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी और उसका निस्तारण करने के लिए आश्वासन दिया। क्या हो गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों से जुड़े हुए एक कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बल पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। मैं श्री वीरेन चौरसिया जी, जो कि प्रगतिशील कृषक हैं, मुनाफे को बढ़ाने के नवीन कृषि तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी खेती में आय बढ़ाने के लिए श्री सत्य प्रकाश दुबे जी का बहुत सराहनीय योगदान रहा है। कृपया आए, अपना सम्मान ग्रहण करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, खेती करें वह हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा, हमें देखना चाहिए खेती में धान की, जहां पे धान की आवश्यकता वहां धान भी करेंगे, गेहूं की आवश्यकता है गेहूं का भी उत्पादन करेंगे,
गन्ना का जहां उत्पादन होना वहां गन्ना का उत्पादन भी करेंगे, लेकिन इन परंपरागत खेती के साथ अगर हम सब्जी उत्पादन की दिशा में जाते हैं तो आपकी इनकम इससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप बागवानी की तरफ जाते हैं तो ये हॉर्टिकल्चर की तरफ जाने में उससे भी आमदनी कई गुना आप बढ़ा सकते हैं। खेती बाड़ी हो या पशुपालन का कार्य या फिर किसी भी मुर्गी पालन का हो, बतख पालन का हो, मछली पालन का हो, ये एक बार मेहनत तो मांगती है, लेकिन मेहनत के साथ जब आप स्वयं जुड़ते हुए दिखाई देंगे तो आप करना यह आपकी खुशहाली के साथ साथ ढेर सारे लोगों को एक नया परिवर्तन दिखाने का माध्यम भी बनता है। आप ढेर सारे लोगों के लिए एक माध्यम बन सकते हैं और यही फार्मर्स इनोवेटिव मीट्स का उद्देश्य भी यही है। जिसने अच्छा किया है वह आकर के बताएं। मैं देखता हूं अभी भी गन्ना का उत्पादन की स्थिति हमारे यहाँ क्या है। एक एकड़ में बहुत मुश्किल 150 से 200 क्विंटल गन्ना हम लोग पैदा करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे प्रगतिशील किसानों को देखा है जिन्होंने एक एकड़ में 500 से 600 क्विंटल से कम इतना क्विंटल गन्ना पैदा करना सीखा है, देख रहे हो कर भी रहे हैं। और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक एकड़ खेत में आप 200 क्विंटल गन्ना पैदा कर रहे हैं आपको फायदा होगा, या फिर उस किसान को जो एक एकड़ खेत में 600 क्विंटल गन्ना पैदा कर रहा है आपसे 3 गुना भी गन्ना पैदा कर रहा है, अच्छी किस्म का गन्ना पैदा कर रहा है, अच्छा उस गन्ने के माध्यम से जो रिकवरी आ रही है, मिल भी आसानी से उस गन्ने को खरीद लेती है। गन्ने की खेती के साथ साथ बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने गन्ने की खेती के साथ सब्जी उत्पादन का कार्य भी प्रारंभ किया है, अन्य कार्यक्रम भी उसके साथ जुड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर कसिया पिच मार्ग से रजही मार्ग और ग्राम रजही वाया बुढ़िया मंदिर मार्ग पर इंटरलॉकिंग कार्य का लोकार्पण किया। साथ ही साथ गोरखपुर कसिया पिच मार्ग से ग्राम रजही मार्ग वाया बुढ़िया माता मंदिर के परिसर में स्थित तालाब में जल संरक्षण के अंतर्गत जलकुंभी की सफाई के तहत श्रमदान कार्य का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले ही बुढ़िया माई मंदिर परिसर के आसपास के इलाकों का जीर्णोद्धार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। इसी के तहत मुख्यमंत्री शनिवार को बुढ़िया माई मंदिर पहुंचे और वहां पर प्राकृतिक रूप से बने हुए नाले का भी निरीक्षण किया और सफाई के आदेश दिए। बिल्कुल भैया थोड़ा सा और आ गया। हाँ हाँ है, स्कूल जाना है, इनके माँ बाप कहाँ है? कहाँ इसके माँ, इनके माँ बाप है? इनके माता पिता कहाँ है? बच्चों को, इन बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हो? कौन स्कूल में? कहाँ पे? उसमें में ये दोनों जाते हैं, दोनों बच्चे नहीं हमारे। ये जाती है, अभी इसको कपड़ा नहीं मिला, कब एडमिशन कराया है? Thank you.
ठीक है सर, ठीक है। किनारे 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 होइए। इधर देखा, इधर अरे महाराज जी, इधर महाराज जी, इधर उधर एक जो हमारे पास सरफेस वाटर है, इसका हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, सदुपयोग हो इसका, और इसमें सिंचाई के लिए भी जो साधन है उसमें हम ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देकर के अधिक से अधिक क्षेत्र को सिंचन की क्षमता दे सकें। दूसरी तरफ बरसात के पानी को संचयन के लिए जगह जगह मनरेगा के अंतर्गत तालाब खुदवाने की व्यवस्था, इसके अलावा खेत तालाब योजना में 8,000 से अधिक तालाब हमने बुंदेलखंड और अन्य उन क्षेत्रों में जो किसी प्रकार से सूखा क्षेत्र थे वहां पर खुदवाने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही हर ग्राम पंचायत में भी जितने भी पुराने तालाब और पोखरे थे मनरेगा के अंतर्गत और श्रम दान से इन योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, यह कार्यक्रम भी यहाँ पर तैयार करने का एक प्रयास हुआ है। और जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जहाँ एक ओर जल संरक्षण के लिए आम जन का सहयोग, वहीं सरकारी संस्थाओं के लिए भी कहा गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें, चाहे वह सरकारी भवन कोई भी बने। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी हम ये व्यवस्था किए हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी जितना भी वर्षा का जल हो उसकी छत और आसपास का जो जल हो उसको भी हम संचयन करने की व्यवस्था करें, क्योंकि यह अमूल्य है और जल ही जीवन है। तो उसके संचयन के साथ साथ आने वाले समय में हर एक घर तक जल का पानी या जल नल के माध्यम से हर घर तक पहुंचाया जा सके, प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है। उस संकल्प को जल संचयन के इस कार्यक्रम को एक आंदोलन के रूप में लेना चाहिए और इस आंदोलन में सब सहभागी बने। आज इंद्र भगवान स्वयं भी इस बात से प्रसन्न है और ये भारी बारिश यहाँ पर पड़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज सभागार में गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों की स्थिति की समीक्षा की और 1 जुलाई से फिर से शुरू होने वाले दस्तक अभियान की तैयारियों का रूपरेखा अधिकारियों से जाना। साथ ही गोरखपुर में स्वास्थ्य संबंधी दूसरी समस्याओं को लेकर डॉक्टरों के साथ बैठक की। सातों जनपदों से लोग आए हैं, एक तो हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाते थे, प्रत्येक जनपद में जितने भी विषाणुजनित बीमारियां हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, इन सबके खिलाफ एक अभियान चलाने के लिए कहा था। विगत वर्ष भी कार्यक्रम चला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसेफेलाइटिस के मद्देनजर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कई वार्डों का निरीक्षण किया ताकि इस बीमारी के रोकथाम के लिए सुचारू योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके। वैसे अगर इंसेफेलाइटिस से मरने वालों की संख्या के आंकड़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस साल काफी कम मौतें हुई है। सरकार की ओर से लगातार जन जागरूकता अभियान दस्तक भी चलाया जा रहा है जो आगामी 1 जुलाई से फिर से शुरू होगा।
वार्डों के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, हो कालाजार हो, चिकनगुनिया हो या कोई भी इस प्रकार की बीमारियां हैं, इन सब बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए जो कार्यक्रम हमारे चलने हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हॉस्पिटल्स हमारे सभी तैयार हों, पीएचसी हों, सीएससी हों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, मेडिकल कॉलेजेज हों, यहाँ पे तो हमारी तैयारी होनी ही चाहिए। जागरूकता का भी विशेष कार्यक्रम चलना चाहिए। जागरूकता के ही कार्यक्रम में हम लोगों ने व्यवस्था बनाई कि जितने भी हमारे ये सभी जनपद हैं, यानी इंसेफ्लाइटिस से 38 जनपद बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन सभी 75 जनपदों में हर जनपद किसी न किसी प्रकार की वेक्टर बॉर्न डिजीज से प्रभावित है। कहीं इंसेफ्लाइटिस है, कहीं डेंगू है, कहीं मलेरिया है, कहीं पर कालाजार है, कहीं चिकनगुनिया है, किसी न किसी रोग में प्रभावित होता है। इसके लिए सबसे पहला कार्य एक अंतर विभागीय व्यवस्था हम लोगों ने तय की। स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए ग्राम्य विकास को, नगर विकास को, पंचायती राज को, महिला और बाल विकास को, इस प्रकार की 12 विभागों को जोड़ करके और एक सामूहिक बेहतर समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को चलाने की व्यवस्था आगे बढ़ाई है। इस कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाने के क्रम में स्वच्छता को फोकस करते हुए यही है इसका मुख्य कारण, गंदगी है, खुले में शौच है, अशुद्ध पेयजल है और समय पे उपचार न उपलब्ध होना, ये रहा है। हमने बेहतर प्रबंधन और समन्वय के माध्यम से विगत वर्ष जो अपनी कार्य योजना बनाई थी उसके बेहतर परिणाम आए। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी एडवांस लैप्रोस्कोपी, इंड्रोस्कोपी, गैस्ट्रो सर्जरी, स्त्री रोग और न्यूरोलॉजी सेंटर, डॉक्टर शिवशंकर शाही सर्जन, गोल्ड मेडलिस्ट। हमारी विशेषताएं: दूरबीन द्वारा बिना चीरे के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाएं, जैसे पित्त की थैली, अपेंडिक्स, बच्चेदानी, रसौली। ट्रूप प्रोटेस्ट का बिना चीरे से ऑपरेशन, पेशाब की नली और पेशाब के थैली की पथरी, आंत का फंसना, आंत का फटना और ट्यूमर का ऑपरेशन, ब्रेस्ट थायराइड, हॉर्निया, बवासीर, हाइड्रोसील का इलाज, ट्रामा सेंटर और बर्न सेंटर। हमारी सबसे बड़ी विशेषता शहर का सबसे बड़ा बेड वाला आईसीयू। तो संपर्क करें शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, निकट पूर्वांचल बैंक, बुद्ध विहार कॉमर्शियल, तारामंडल, पुलिस चौकी के पीछे, गोरखपुर। एके टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9939599081।
कार्तिके एंटरप्राइजेस जो बनाते हैं घर को जन्नत, पूर्वांचल का एकमात्र सोमानी का एक्सक्लूसिव शोरूम जहां पर है कजारिया, एजीएल, ग्रेनाइट। हमारी विशेषताएं सभी प्रकार के वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी के सभी सामान एक ही छत के नीचे। हमारे पास है भारत के सबसे विशाल आकार के टाइल्स। तो खरीदारी के लिए संपर्क करें कार्तिके एंटरप्राइजेस भगत चौराहा गोरखपुर, हमारी सहयोगी प्रतिष्ठान आदित्री एंटरप्राइजेस झांसी कटरा गोरखपुर, मोबाइल नंबर 9839535019। हमारी ब्रांच महाराजगंज में भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिनभर। शाहपुर थाना क्षेत्र से फर्जी क्राइम ब्रांच और पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से धन उगाही करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से फर्जी दस्तावेज और वर्दी भी पुलिस ने बरामद की है। पकड़े गए अभियुक्तों का नाम मेराज अहमद, मनीष वर्मा और राहुल गौड़ है, जो आए दिन पुलिस को चकमा देते हुए लोगों से धन उगाही किया करते थे। इनको आप जान रहे हैं जो कि सरकारी पुलिस की सरकारी जो संस्थाएं हैं और एजेंसीज हैं उनके। गोरखपुर पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब गत दिनों सेल्स टैक्स ऑफिसर बनकर 2 सुपारी से लदे ट्रकों को लुटेरों ने लूट लिया था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़े गए दोनों शातिर लुटेरे, जिनके नाम वीरेंद्र यादव और अशोक शर्मा हैं, जो पुलिस के गिरफ्त में हैं और उनके पास से 16 टन सुपारी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 48 लाख रुपए है, बरामद हुई है। इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल श्रीवास्तव ने दी, जिसमें उनके साथ सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह भी मौजूद रहे। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल श्रीवास्तव ने बताया, जो गिरफ्तार हुआ है उसमें वीरेंद्र यादव और अशोक शर्मा है और एक जो बाजा है वो आदमपुर प्रधान है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है उसका और वो लूट के मामले में वो जेल जा चुका है। तो इसमें कुल कितने लोग इस लूट कांड में शामिल थे और अब तक कितने की टोटल गिरफ्तारी हुई है? अभी तो आपके सामने देख रहे हैं 2 ये गिरफ्तारी हुई है और इसके पहले भी 2 गिरफ्तारी हुई और इस गैंग में भी बहुत लोग हैं। इससे अभी तो 3 नाम प्रकाश में आए हैं जिनके हम लोग काम कर रहे हैं, जिन पे और सीधे की गिरफ्तारी की जाए। कितने माल बरामद हुए अभी तक? माल 32 टन माल बरामद हो चुका है और जो शेष माल है उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, वो भी कहीं इसी तरह कहीं स्टोर करके रखा होगा। कई दिनों की गर्मी और बेतहाशा बढ़े हुए तापमान से आखिरकार गोरखपुर के लोगों को शनिवार को निजात मिल ही गई। शुक्रवार देर रात से मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया और जो आसमान अंगारे बरसा रहे थे वहीं से अब जीवनदायी पानी की फुहार ने रहम बरसा दिया। शनिवार को पूरे दिन झमाझम बारिश ने पूरे शहर को पानी से सराबोर कर दिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि अगर इसके दूसरे पहलू पर ध्यान दिया जाए तो जल जमाव ने अपने पांव अभी से पसारने शुरू कर दिए हैं, जबकि यह मानसून की पहली बारिश है। आगे इन नालियों का क्या होता है यह तो नगर निगम ही बताएगा, लेकिन आप बरसात में जूझने के लिए पहले से ही तैयार रहें। गोरखपुर में बरसे झमाझम बारिश के बारे में हमारे सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने कहा, बहुत राहत मिली है और सब लोग इसका आनंद भी ले रहे हैं। अब वहीं दूसरी तरफ शहर में एक दिक्कत और पैदा होने वाली है कि नालों की सफाई नहीं की गई है। अब जगह जगह वाटर लॉगिंग
और नाले सभी भरे हुए हैं, तो नगर निगम को इसको भी देखना पड़ेगा। और बरसात तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी हुई है, किसानों के लिए तो और भी बेहतर हुआ है। हाँ, सवारी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मतलब खुशी है, कम से कम फसल के लिए भी अच्छा होगा, शरीर को भी आराम है। लोकसभा चुनाव 2019 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को आए दिन सम्मानित किया जा रहा है। इसी के तहत महिला मोर्चा के सदस्यों को भी बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भारी तादाद में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मौजूद रही। अपने सम्मान समारोह के बारे में बात करते हुए महिला मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव ने हमारे सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए कहा, मेहनत का परिणाम है कि हम लोगों ने अपने हर लोकसभा से एक कमल दिल्ली भेजे हैं, माननीय मोदी जी के साथ हाथ मजबूत किए हैं, तो इसकी खुशी में मैं अपने बूथ स्तर तक के बहनों को बुला करके आज उन लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि मेहनत करना ही धर्म नहीं है, उसका फल भी प्राप्त हुआ है, तो इन लोगों को भी इनका मान मिलना चाहिए, तो इसके लिए आज हमने एक स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा था। दिन भर में बस इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। साईं प्रणाम।